ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो हियर इज आवर न्यू टॉपिक व्हिच इज द फाइव किंगडम सिस्टम। ओके, तो इन द प्रीवियस वीडियो में हमने जो ये देखा था कि क्यों जो है वो टू किंगडम सिस्टम जो है वो डिस्कार्ड किए गए थे, यानी ख़त्म किए गए थे, और क्यों जो है फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो लाए गए। ठीक है, तो हमने प्रीवियस सेक्शन लेक्चर में पढ़ दिया, देख लिया था कि मतलब कि दो किंगडम सिस्टम जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहे थे। तो हम लोग जस्ट लिख लेते हैं, फंजाई जो थी एक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, बैक्टीरिया था, जुगलीना एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट्स को भी मिक्स कर दिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उन्हें भी एक साथ मिक्स कर दिया था, यानी यूनिसेलुलर को, मल्टीसेलुलर को बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो इस प्रॉब्लम का हल जो है, मैनी साइंटिस्ट जो है वो आए थे, उन्होंने जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ किंगडम सिस्टम जो है वो दिए थे। किसी ने जो है वो 18 जो है वो किंगडम सिस्टम दिए थे, या किसी ने इससे ज़्यादा या किसी ने इससे कम थोड़े दिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा किंगडम सिस्टम हो गए थे। यानी हम लोग मकसद ये था दो किंगडम सिस्टम को डिस्कार्ड करने का कि ऑर्गेनिज्म को वेल मैनराइज तरीके से अरेंज किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 18 किंगडम सिस्टम जो है वो बना दिए जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इस वजह से जो है जो साइंटिस्ट जो है कामयाब हुआ था सिस्टम को, यानी ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो अच्छी तरीके से क्लासिफाई करने में, किंगडम सिस्टम में रखने में, वो था विट्टेकर, रॉबर्ट एच विट्टेकर। रॉबर्ट एच विट्टेकर, आर एच विट्टेकर जो है वो एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, बायोलॉजिस्ट, ठीक है, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसने जो है फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो दिए थे। अब विट्टेकर जो है उसकी जो किंगडम सिस्टम है वो क्यों जो है वो सक्सेसफुल हुआ था, उसकी दो, क्योंकि उसने जो है इस किंगडम सिस्टम को बनाने में जो है जो कैटेगरी रखे थे वो दो कैटेगरीज थे। एक जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिज्म की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर, और उसके अलावा जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो बेसिस थी, दो कैटेगरीज पे जो है वो एनिमल्स को इन्होंने किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई किया था, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप की जो है इन्होंने दिए थी, वन इज हेटेरोट्रॉफिक एंड अदर वन इज ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक में इन्होंने कहा कि कुछ जो हैं वो एब्जॉर्प्टिक टाइप जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होंगे, एंड अदर वन इज इंजेक्सिव। एब्जॉर्प्टिक जो है वो फंजाई होते हैं, और इंजेक्सिव जैसे कि ह्यूमंस बींग इंजेक्टिव। ओके, उसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने तीन जो है उनकी बेसिस दी थी, तीन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने प्रोवाइड किए थे, एक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड लास्ट वन इज प्रोकैरियोटिक। यानी इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी वो तीन बेसिस पे थी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हो, उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है वो भी मौजूद हो उनके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ओके, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जो थे मींस के मैनी सेल्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल के बने हो, प्लस में जो है उनमें यूकैरियोटिक, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद हों।
और तीसरे जो थे वो थे जिनके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस हों, फिर वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, वैसे तो प्रोकैरियोट जो है वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। ओके तो ये दो जो हैं कैटेगरीज थे, इनकी बेसिस पर विटेकर ने जो है क्लासिफाई किया था फाइव किंगडम सिस्टम को। वो कौन से फाइव किंगडम सिस्टम थे, अब वो देखते हैं हम। एक था किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ये दोनों तो बेसिकली शुरू से जो है हम पढ़ते आए हैं, लेकिन तीन वो कौन से किंगडम जो इन्होंने ऐड किए थे वो थे, नंबर वन इज किंगडम, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ वन इज किंगडम प्रोकैरियोट, बाद में नाम आए थे, पहले मोनेरा। ठीक है, उसके अलावा फाइव जो था किंगडम फंजाई। बेसिकली इन्होंने ये पांच जो किंगडम सिस्टम जो है वो दिए थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंजाई। अब किंगडम जो प्लांटी है उसमें जो है वो प्लांट्स जो है रखे गए थे, यानी क्या क्या करेक्टरिस्टिक थे वो अब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स रखे गए थे वो मल्टी सेलुलर थे, मल्टी सेलुलर हैविंग क्लोरोफिलस यानी ग्रीन पिगमेंट उनके अंदर मौजूद था, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में इन्हें मदद दे रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद थी, सेल वॉल प्रेजेंटिंग। ठीक है, उसके बाद जो है इनके अंदर यूकैरियोटिक थे, यानी ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद था, एंड फोटोसिंथेटिक यानी अपना खाना खुद बनाते थे। फोटोसिंथेसिस मींस ये क्या थे, ऑटोट्रॉफिक। ओके, यानी एक बेसिस जो है वो आ गई मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ओके, उसके बाद जो है वो इनकी हेटरोट्रॉफिक थे, उसके अलावा जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऑटोट्रॉफिक जो है वो भी आ गए इसमें प्लांटिंग। उसके बाद जो दूसरा किंगडम सिस्टम था वो था किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रखे गए थे, जिसके अंदर अब मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक्स थे, हेटरोट्रॉफ यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बनाते हो पर किसी पर डिपेंडेंट हो, यानी प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो अपने खाने के लिए, फूड के लिए, हेटरोट्रॉफिक्स। और ये वो ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर ना सेल वॉल मौजूद थी, ना क्लोरोफिलस मौजूद था, ना वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते थे, यानी ऑल एनिमल्स जो हैं वो, जैसे ह्यूमंस इंक्लूडिंग ह्यूमंस, दूसरे एनिमल्स जो हैं वो मोस्टली इस किंगडम में जो है वो रखे गए थे। तो मतलब टेकर की दूसरी बेसिस यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक भी आ गए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा किंगडम सिस्टम था, दिस वन इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा वो किंगडम था जिसमें टोटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स विच हैज फॉल्स न्यूक्लियट यानी प्रोकैरियोटिक्स,
वो इंक्लूड थे, ठीक है। उसके अलावा किंगडम फोर जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रखे गए थे वो यूनिसेलुलर ही थे, लेकिन किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा जो है उन दोनों में डिफरेंस ये था कि इनके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, यानी फॉल्स न्यूक्लियस मौजूद था, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक्स थे, यानी प्लांट्स वगैरह जो है वो प्लांट किंगडम में आ गए, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं एनिमल्स यानी इंक्लूडिंग ह्यूमन अर्थवॉर्म वगैरह जो एनिमल्स थे वो एनिमल किंगडम में आ गए। उसके बाद जो है किंगडम मोनेरा जो है उसमें आल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा में आ गए थे। उसके अलावा जो यानी बैक्टीरिया के साथ इशू था यानी वो भी जो है वो अच्छी तरह से जो किंगडम में आ गया, यानी बैक्टीरिया यहाँ पर आ गया। उसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स यानी जितने भी प्रोटोजोन्स मौजूद हैं, प्रोटोजोन्स यूग्लिना के साथ मसला था तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसे प्रोटोजोन के लिए बनाया गया था, यानी यूग्लिना भी जो है वो आ गया इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो है जो यूनिसेलुलर एल्जी है उसे भी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो रखा गया था, क्योंकि इनका करेक्टर यानी यूनिसेलुलर करेक्टर जो है वो दोनों का सेम था, ठीक है। उसके बाद द लास्ट वन किंगडम जो था किंगडम फंजा है, किंगडम फंजा जो है उसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल वॉल प्रेजेंटिंग एनिमल्स रखे गए थे एंड हेटेरोट्रॉफिक यानी मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल्स के बने हुए यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल्स मौजूद थी। उसके अलावा जो है वो हेटेरोट्रॉफ जो है वो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे किंगडम फंजाई में, ठीक है। तो ये थे फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो यूटेकर में, यानी फंजाई के साथ मसला था तो फंजाई भी जो है उनका अलग किंगडम बनाया गया, यानी ये मसला भी यहाँ पर हल हो गया बिल्कुल ही अच्छी तरह से। उसके अलावा बैक्टीरिया के साथ मसला था ये भी हल हो गया, और उसके अलावा प्रोटोजोन्स यानी यूग्लिना वगैरह के साथ मसला था तो ये भी यहाँ पर हल हो गया, यानी जो मसले थे तीन बेसिक जो मसले थे ये तीनों जो हैं वो इन किंगडम सिस्टम की डिवीजन की वजह से जो है वो ईजीली हल हो गए थे, यानी यूटेकर ने ये अच्छा काम किया था। पर एक मसला जो है वो अभी भी इसमें आ रहा था, वो मसला क्या था, हाँ इन्होंने प्रोटोजोन्स जो है उन्हें प्रोटिस्टा जो है उनमें रखा था प्रोटोजोन्स। उसके अलावा जो यूनिसेलुलर अल्जी थी, यूनिसेलुलर अल्जी, हालांकि अल्जी जो है वो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक रखती है, लेकिन उस ड्यू टू यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ने किंगडम प्रोटिस्टा जो है उनमें रखा गया था, यूनिसेलुलर एल्जी को भी प्रोटिस्टा में रखा गया था। लेकिन जो मेन मेजर प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो मल्टी सेलुलर एल्जी थी, मल्टी सेलुलर एल्जी, उस मल्टी सेलुलर एल्जी जो है उससे जो है किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया था, उससे किंगडम प्लांटी में रखा गया था, किंगडम प्लांटी में जो है वो मल्टी सेलुलर एल्जी को रखा गया था, क्योंकि एल्जी जो है वो मोस्टली रिजेंबल करती है प्लांट्स, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल्स भी होता है, फोटोसिंथेटिक होती है, उसके अलावा सेल वॉल भी जो है इसमें मौजूद होती है, और जो है वो मल्टी सेलुलर थी इस वजह से जो है किंगडम प्लांटी में रखा गया। लेकिन ड्यू टू एल्जी यानी एल्जी होने की वजह से ये यूनिसेलुलर एल्जी से बहुत ज़्यादा मिलती थी, यानी इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना था कि ये यूनिसेलुलर यानी एक सेल की बनी हुई थी और ये जो है वो मैनी सेल्स की बनी हुई थी ये एल्जी। तो इस वजह से जो है ये, हालांकि ये दोनों एल्जी सेम थी, बट एक डिफरेंस की वजह से इससे जो है किंगडम प्रोटिस्टा में और इसे जो है किंगडम प्लांटी में जो है वो रखा गया था। तो मतलब ये जो है प्रॉब्लम आ रही थी कि मल्टी सेलुलर एल्जी अपनी एल्जी से जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, बहुत सिमिलर कलेक्टर्स मौजूद हैं इसमें, इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो दो और साइंटिस्ट आए थे, किस तरह से जो है उन्होंने जो है इस प्रॉब्लम का हल निकाला, किस तरह से
यही किंगडम सिस्टम यही रहे थे, आज तक यही किंगडम सिस्टम है, यानी विटेकर के ही हैं। लेकिन किस तरह से इन किंगडम सिस्टम को फर्दर मोर मॉडिफाई किया गया, फर्दर मोर जो है उनको अच्छी तरह से जो है वो क्लासीफाई किया गया, वो जो है इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि कौन से वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हें सही तरह से अरेंज किया था और इस प्रॉब्लम को जो है वो ख़त्म किया था। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हाँ, होपफुली जो है वो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।